नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव और पार्वती माता की अमर सुहाग देने वाली कहानी। इस कथा को कहने और सुनने वाले को निश्चित तौर पर भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसकी 5 बेटियां थी। पांचों शिवजी की पूजा करती, दिया जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। बड़ी वाली 4 बेटियों का दिया बहुत देर तक जलता रहता था, पर सबसे छोटी और 5वीं बेटी का दिया बहुत जल्दी बुझ जाता था। तब बेटी ने घर आकर अपनी माँ को भी बताया कि माँ, मेरा दीपक सबसे पहले बुझ जाता है। तब माँ बोली, बेटी उसमें घी थोड़ा ज्यादा डाल दिया कर। थोड़े समय बाद उन 5 बेटियों का विवाह हो गया। 4 बेटियों के घर तो बहुत धनवान थे, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता और खाता। फिर भी वह संतोष रखती थी और अपना नसीब मानकर दिन काट रही थी। एक दिन की बात है, 5वीं बेटी का पति थोड़ी ही लकड़ियां काटकर बेचने को लाया। तब उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतनी कम लकड़ियां क्यों लाए हो? तब उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब 5वीं बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप आराम करो। अगले दिन जब उसका पति वापस लकड़ियां काटने जाने लगा, तब वह बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर वो दोनों साथ जाकर लकड़ियां काटने लगे। अभी थोड़ी ही लकड़ियां काटी थी कि उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अब ना तो उसे अपने साथ ले जा सकती थी और ना ही वह उसे उठा सकती थी। तब उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा पति उठ ही नहीं रहा है। उसी समय महादेव और पार्वती माता पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। शिवजी उसे देखकर पार्वती से बोले, देखो इसके साथ कितना बुरा हुआ है। पार्वती जी बोली, तो आप देख क्या रहे हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब वे दोनों उसके पास गए। उन्होंने उसका हाल चाल पूछा तो 5वीं बेटी ने सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर शिवजी बोले कि तुम इसे घर क्यों नहीं ले जाती, यह तो मर चुका है। तब वह बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और जोर जोर से रोने लगी। तब शिवजी को उस पर दया आ गई और बोले कि तू वही है ना जिसका दिया सबसे पहले बुझ जाता था। तो वह बोली, हाँ प्रभु मैं वही हूँ। तब शिवजी बोले, तूने दिया तो लगाया पर कभी भी अमर सुहाग की कथा ध्यान से नहीं सुनी। तब बेटी ने शिवजी के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जीवित कर दो प्रभु, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तब शिवजी ने उसके पति पर अमृत के छींटे मारे और उसका पति अंगड़ाई लेता हुआ बैठ गया और बोला कि आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। ऐसा सुनकर उसकी पत्नी बोली, भगवान ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना दे। और फिर वो दोनों अपने घर आ गए। घर आने से पहले लड़की ने भगवान शिव जी और माँ पार्वती से ही अमर सुहाग की उद्यापन विधि के बारे में पूछा। तो शिव जी बोले, 5 कटोरियाँ, 5 पूड़े, मौली, सिंदूर, बिंदी, काजल, कोई भी कपड़ा और श्रद्धा अनुसार सुहाग का सामान और रुपए 5 कटोरियों में रखकर मंदिर में चढ़ा आना या फिर ब्राह्मणों को दे देना। 1 कटोरे में सभी सुहाग का सामान, कपड़ा जैसे कोई ब्लाउज पीस और रुपए महादेव जी के मंदिर में चढ़ाना और 1 स्टील के दीपक में घी और बत्ती लगाकर महादेव के आगे जोत जलाना और बची हुई 4 कटोरियों को अपनी बहन बेटियों, सास नंद, जेठानी, कोई भी बड़ा हो तो उसे दे देना या फिर कोई ना मिले तो ब्राह्मण को दे देना। इसी विधि से उस 5वीं बेटी ने उद्यापन किया। अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं।
घर में चारों तरफ ठाट बाट हो गए। उन्हें संतान का सुख भी मिला और दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे भोलेनाथ, जैसा आपने इस बेटी को अमर सुहाग दिया, वैसा ही हर सुहागन को देना और उसका सुहाग अमर करना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।